नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। मैं अपनी डायनामाइट न्यूज की टीम के साथ इस समय खड़ा हूं देश की राजधानी नई दिल्ली के संसद भवन के पास। संसद भवन पर वाकई में किसका 17वीं लोकसभा में बहुमत होगा, इसका नतीजा कल यानी 23 मई को देश के सामने होगा। महीनों की जो जद्दोजहद थी, यह कल उसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। डायनामाइट न्यूज़ की टीम ने देश भर में विशेष इंतजाम किए हैं कि अपने दर्शकों को हम पल पल की लोकसभा चुनाव के मतगणना की अपडेट दें। आप डायनामाइट न्यूज़ को ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर हमारे मोबाइल ऐप पर कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। विशेष तौर पर हम उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें जो है देश का नंबर वन न्यूज़ पोर्टल डायनामाइट न्यूज़ आपको पल पल की जानकारी देगा। सुबह 6 बजे से देश भर में फैले हमारे 125 रिपोर्टर एक साथ लाइव रहेंगे, जो आपको पल पल की जानकारी देंगे कि किस जगह कहां पर क्या हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। और दोपहर बाद करीब 2 बजे के आसपास तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा की 80 सीटें और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं यहाँ पर काफ़ी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। एग्जिट पोल अपनी बातें कह रहे हैं, ज्योतिषी पोल अपने तरह की बात कह रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी गर्म था, हालांकि इस समय दिल्ली के आसमान पर थोड़ी बदली छाई हुई है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पहले यूनियन काउंसिल की बैठक और उसके बाद NDA के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया, उससे दिल्ली का राजनीतिक तापमान कल रात में भी 10 बजे के करीब होटल अशोका में काफ़ी गर्म था। इससे ठीक पहले दोपहर में विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में, 2 दर्जन विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दी। और कुल मिलाकर डायनामाइट न्यूज का यह मानना है कि 17वीं लोकसभा में भले कोई सरकार बनाए, लेकिन इस बार जो सरकार आएगी उसके ऊपर EVM और VVPAT का कलंक लगना लाजमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी दल मानने को तैयार ही नहीं हैं कि इस बार का चुनाव ट्रांसपेरेंट हुआ है। जगह जगह से जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि EVM में भारी गड़बड़ी की गई है, उसके बीच कल देश का नतीजा 17वीं लोकसभा का सामने होगा। वहीं सरकार कह रही है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुए हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि कहीं कोई इस तरह की जो आशंका है वो पूरी तरह से निर्मूल है, झूठी है। बहरहाल डायनामाइट न्यूज न सिर्फ कल 23 मई को पल पल की मतगणना की आपको अपडेट देगा, इसके अलावा कल शाम को जब नतीजे आने के बाद तस्वीरें रात तक पूरी क्लियर होने के बाद कि 543 सदस्यीय लोकसभा में किसको कितना नंबर्स मिला, इसके बाद असली खेल शुरू होगा। सरकार कौन बनाएगा? हमारे पीछे जो राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किस को बुलाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई बहुमत पा जाएगी? नहीं पाएगी तो क्या सबसे बड़े दल को बुलाया जाएगा? इन सारी चीज़ों पर मैं आपको पल पल की अपडेट दूंगा। जैसे इसके पहले मैंने 2009 में आपको बताया था, 2014 में बताया था, उसी तरह 2019 में बताऊंगा पल पल की अपडेट कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और कौन से नए सहयोगी जुड़ेंगे, क्या वाकई मोदी दोबारा PM बनेंगी या फिर विपक्ष से कोई थर्ड फ्रंट की सरकार आ सकती है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आ सकती है, क्या तस्वीर होगी अगले कई दिनों तक। लगातार जो अगला हफ्ता होगा काफ़ी राजनीतिक तापमान के लिहाज से, देश के भाग्य को लिखने के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और मैं पल पल की अपडेट जो है आपको दूंगा। यही नहीं, इसके अलावा भी बताऊंगा कि जो नए प्रधानमंत्री होंगे उनके साथ मंत्रिमंडल में कौन कौन से सांसद जो है जगह पाएंगे। इन सारी चीज़ों पर मैं विस्तार से अपना विश्लेषण जो है देता रहूँगा। नई दिल्ली में संसद भवन से अपने सहयोगी जैमी जोसफ, चंदन कुमारी और संतोष के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।